अगर बात करें घर की लड़ाई, कांग्रेस 2.5 साल में घर की लड़ाई को सुलह नहीं कर पा रही है, होने का कारण यही था। पंजाब में नवजोत सिद्धू अमरिंदर की लड़ाई सामने आ गई है, राजस्थान में खुले में सचिन पायलट अशोक गहलोत की लड़ाई सामने थी, क्या घर की कलह को कांग्रेस नहीं मिटा सकती? देखिए, जहाँ तक आपने मध्य प्रदेश और पंजाब और ये सब राजस्थान गिनाया, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि राहुल जी के घर में, गांधी परिवार में कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन कांग्रेस के घर में, कांग्रेस परिवार में मतभेद हैं, मनभेद नहीं है। आज भी कांग्रेस अगर एक रह सकती है तो नेहरू गांधी परिवार के साथ रह सकती है। राजस्थान का जहाँ तक सवाल है, मैं कहना चाहता हूँ कि सचिन पायलट के साथ नाइंसाफ़ी हुई, सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं हुआ। सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस जीती थी। कांग्रेस की जीत में और नेताओं का भी रोल था, ऐसा नहीं क्या किसी एक व्यक्ति का ही रोल होता है, लेकिन चेहरा सचिन पायलट थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल अध्यक्ष थे, पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष थे, सारी जगह प्रदेश अध्यक्षों को सीएम बनाया गया, लेकिन राजस्थान के अंदर सचिन पायलट को सीएम नहीं बनाया गया। तो मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट के साथ इंसाफ नहीं हुआ, इसीलिए सचिन पायलट के साथ राजस्थान की जनता है, और जिसके साथ जनता होती है वो नेता होता है। नेता वो नहीं है जो पद पे है, नेता वो है जो जनता के दिलों में है। मुझे ऐसा लगता है सचिन पायलट राजस्थान की जनता के दिल में है, तो एक ना एक दिन वो जरूर वहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे।